स्टार्ट करते हैं। 20 फीट बाई 23 फीट हाउस प्लान, 2 BHK का हाउस प्लान। इसको 2D के साथ साथ 3D भी शेयर करेंगे। तो वहीं पे मिलने वाला है 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल स्टेयरकेस के साथ और 1 लेटरिन कम बाथ। तो चलिए इसका जो डिटेल्स है शेयर करते हैं। तो इसका आउटसाइड का वॉल 9 इंच और इनसाइड का वॉल 5 इंच है। तो वॉल का 8 फीट तक एक्सटेंशन कर देते हैं। तो यहीं पे मैंने सारे वॉल बना लिया है। इनसाइड पार्टीशन वॉल 5 इंच है। तो इस तरफ से आपको दिखाई देगा। तो इसका अच्छा से ड्राइंग बना के, मतलब पेंटिंग करके, फर्नीचर ऐड करके डिटेल्स क्या है वो भी दिखाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, अभी इसका जो डोर एंड विंडो है उसका पोजीशन पहले कर लेते हैं। तो मेन डोर इस तरफ आ जाएगा, फिर मेन डोर आ जाएगा, मेन डोर हमारा 4 फीट बाई 7 फीट। तो इस तरफ से इसका काट लेंगे काट। तो ये हो गया हमारा डोर। नेक्स्ट टाइम पे बेडरूम का डोर भी ऐड करना है। तो यहीं पे बेडरूम का डोर इस तरफ आ जाएगा एक। सेवन फीट बाई थ्री फीट का यहीं पे बेडरूम का डोर ऐड करना है। फिर इस बेडरूम में सेम है 3 फीट बाई 7 फीट। और यहीं पे आएगा किचन का डोर। टू पॉइंट फाइव फीट बाई 7 फीट। और यहीं पे टॉयलेट का भी सेम साइज का आएंगे, 2.5 फीट बाई 7 फीट। तो डोर को पहले कट कर देते हैं। तो देखिए हमने जिधर जिधर डोर प्रोवाइड करना था डोर प्रोवाइड कर लिया है। तो इस तरफ का नज़र में आ जाएगा आपका। तो यहीं पे इस तरफ इसको अनवांटेड मिड लाइन को कट कर देते हैं। तो यहीं पे आ जाएगा किचन। तो किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको 3 फीट तक एक्सटेंशन कर देंगे। तो यहीं पे नेक्स्ट चलेंगे विंडो, विंडो का पोजीशन में। तो विंडो विंडो के लिए आ जाएगा 1 फीट, देन यहीं पे 4 फीट। यहीं पे रेफरेंस लाइन ले लेंगे चारों तरफ। तो इसके बाद हमने यहीं पे विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो यहीं पे किचन का विंडो इस तरफ प्रोवाइड कर देंगे। और यहीं पे हॉल का विंडो, यहीं पे इस तरफ से आपका इसका बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहीं पे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट यहीं पे बेडरूम, बेडरूम में 2 विंडो प्रोवाइड करेंगे, इस तरफ एक, इस तरफ एक। इस बेडरूम में भी इस तरफ एक है और इस तरफ एक। तो इसी तरफ से इसका जो विंडो है विंडो को कट कर देंगे। तो यहीं पे
देखिए विंडो भी रेडी हो गया है, फिर वेंटिलेशन तो देखिए यहीं पे विंडो भी प्रोवाइड कर लिया है, और इस तरफ से एक विंडो था तो यहीं पे विंडो एंड डोर का जो पोजीशन है हमने बना लिया। तो नेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा पेंटिंग और फर्नीचर ऐड करके कैसे लगेगा वो दिखाएंगे आपको। सो 3D बनाने के बाद देखिए इस तरफ से नज़र में आएगा, ये फ्रंट साइड है, यहीं पे मेन डोर, उसके बाद यहीं पे आ जाएगा स्टेयर, यहीं पे स्टेयर आ जाएगा लेफ्ट में एंड मेन गेट क्रॉस करने के बाद ही। तो यहीं पे डाइनिंग हॉल के साथ स्टेयर केस प्रोवाइड किया है, इस तरफ आया के फिर इस तरफ घूम के इस तरफ स्टेयर कंटिन्यू होगा, और स्टेयर का बिल्कुल नीचे से देखिए यहीं पे एक टॉयलेट प्रोवाइड किया। देखिए इस तरफ स्टेयर का नीचे एक टॉयलेट आपको बन जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा किचन, तो किचन इस तरफ है, किचन इस तरफ और इस तरफ दो बेडरूम। सिंपल सा ड्राइंग है, फ्लेज प्लेन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका घर बनाना है कम जगह के अंदर तो विलेज में जो शायद अच्छा रहेगा। तो यहीं पे स्पेस सेविंग के लिए स्टेयर का नीचे यहीं पे टॉयलेट प्रोवाइड किया गया। तो इसका डिटेल्स जो मेज़रमेंट है वो देख लेंगे, उसके लिए 2D जो ड्राइंग है वो शेयर करेंगे, उसके साथ साथ आपको कॉलम पोजीशन मिल जाएगा और कितना क्रॉच होगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो भी बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 2D में इसका जो मेज़रमेंट का डिटेल्स है। सो फ्रेंड दिस इज 2D हाउस प्लान, 23 फीट बाई 20 फीट, 460 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग प्लान। तो यहीं पे देखिए यहीं पे दो बेडरूम है इस तरफ और इस तरफ, यहीं पे टॉयलेट और यहीं पे किचन और यहीं पे डाइनिंग हॉल। तो इसका जो मेज़रमेंट है तो यहीं पे देखिए इस तरफ बेडरूम, नेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा बेडरूम, यहीं पे आ जाएगा किचन, और इस तरफ हॉल, और यहीं पे लेट्रिन कम बाथ टॉयलेट। ठीक है, इसको कंबाइन किया तो यहीं पे मेज़रमेंट आ जाएगा इस बेडरूम का 10 फीट बाय इस तरफ 11 फीट 1 इंच, इस बिल्डिंग का इस रूम का 10 फीट इस तरफ और 10 फीट इस तरफ। टॉयलेट का मेज़रमेंट 4 फीट बाय इस तरफ आएगा 8 फीट 1 इंच, और हॉल का मेज़रमेंट 11 फीट 8 इंच बाय 8 फीट 1 इंच, और किचन साइज 5 फीट बाय 8 फीट 1 इंच। तो यहीं पे कॉलम किधर प्रोवाइड करना है, कॉलम आपको आ जाएगा इस तरफ, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, इस तरफ टोटल 9 नंबर्स कॉलम यहीं पे ज़रूरत रहेगा 9 इंच बाय 9 इंच का। तो यहीं पे देखिए जिधर आपको कॉलम बनाना है यहीं पे का फाउंडेशन भी आ जाएगा। तो ये हो गया कॉलम का पोजीशन, सिंपल सा प्लान है, सीधा सीधा कॉलम आ जाएगा, टोटल 9 नंबर्स कॉलम यहीं पे प्रोवाइड करना है। तो नेक्स्ट यहीं पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 460 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1400 करके आ जाएगा, 6.5 लैक्स अप्रोक्स कॉस्ट मान के चलिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है इसका मेटेरियल्स के ऊपर, इसका जो कॉस्टिंग है वेरी करेगा। तो ये था आज का प्लान, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।